अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैर से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज फिर से मैं अपने गांव आया हूँ, तो फिलहाल मैं अबरार भाई के जो कज़न है उसके पास हूँ। तो ये देख सकते हैं वो जो है ट्रैक्टर लेके अपनी जो फसलों में है वो हल चला रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके साथ चलता हूँ। व्यूअर्स वीडियो से जुड़ रहे हैं, अभी इबरार भाई भी आएँगे, आप लोगों को इबरार भाई को भी दिखाएँगे। और वीडियो लास्ट तक देखने मेरे चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो सर बंद कर दे वहां। सलमान यार गर्मी काफी ज्यादा है, स्टार्ट है। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैं फाइनली इबरार भाई के पास पहुँच तो पहले चुका था। तो भाई इबरार जो है अपना काम कर रहे थे, जो खेतों को जो है पानी लगा रहे थे। पिछली बार भी आया था, यकीनन ये काम कर रहे थे, यकीनन बाकी मेहनती लड़का है, जल्द
दिया हो तो ऐसे काम कर रहा होता है। अल्लाह ताला इसकी मेहनत ऐसे ही बरकरार रखे, ऐसे ही मेहनत करता रहे। आमीन। माँ बाप का तो आपको पता है एक ही बेटा है, दो बेटे हैं, यही मेहनत करते हैं, सबसे बड़ा यही है, सारा काम इसे ही करना पड़ता है। ऐसे इसकी मेहनत जारी रहे। हालत आप देख रहे हैं, मैं अभी पानी का गाज रहा था, मैंने कहा 2 मिनट थोड़ा सा सांस भी ले लेते हैं, मैं थका हुआ भी काफ़ी था, तो अभी आंखें मेरी नहीं खुलती नींद की वजह से। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो अच्छी होगी, आपने इस वीडियो को कंप्लीट भी देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरह की आपने अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है, तो क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपने सपोर्ट किया तो यकीन है आगे जाएगा। आपकी सपोर्ट है सबसे बड़ी जो है बात जो है वो आपकी सपोर्ट है, आपने सपोर्ट दिखानी है इसके साथ, दामन बरकरार रखना है ताकि ये। हाँ जी बस आपसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। मैं अभी जुम्मे अल्लाह से अच्छे अच्छे विदाग मिलेंगे आपको। तो आज फिल वक्त माशाल्लाह से काफ़ी दूर से आया है, इसकी खातिर तवाज़ो भी हमने कर ली है डंडों के साथ भी और किसी चीज़ के साथ भी करेंगे। तो माशाल्लाह से आपने भरपूर ताउन दिखाना है भाई। इब्रार के डंडे बड़े मज़ेदार लगते हैं। हाँ पता है ना, डंडे खाने से मज़ा आता है, इतने डंडे बड़े खाए हुए हैं। स्कूल में मेरे साथ जब ये पढ़ता था ना तो आपको बात बताता हूँ, मेरे साथ स्कूल में मेरे साथ ये पढ़ता था, मैं फर्स्ट क्लास में प्रेम में था और ये सेकेंड क्लास में था। तो पता है इसको उस्ताद ने एक बार मारा था। उसकी बात बता रहा था। मैं बताता हूँ बीमार एक बार इसको मारा था, उसके बाद ज़िंदगी में आ जाएगा स्कूल, मैं फिर भी वहाँ पढ़ता रहा हूँ, लेकिन ये छुट्टी करके। हकीकतन बात ये है कि उल्टी बात है, वो इब्रार था जिसे मार पड़ी थी स्कूल में, क्योंकि मैं तो इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर इब्रार उस वो स्कूल इब्रार ने छोड़ दिया था, फिर इधर ही एक इनका जो है सिटी तो जल्ला सिटी है, वहाँ पर जो है मैं फिर वहीं का वहीं पढ़ता रहा हूँ, चक्र ताली में चक्र नंबर 44 में। वहाँ पर उस्ताद माशाल्लाह अल्लाह मेरे उस्ताद को लंबी जिंदगियाँ दे। उस्ताद गुलजार था, बहुत मोटा था, उसके पास इतना मोटा डंडा हुआ करता था, एक मारता था बस। यकीन इतने मारता था ना, रात के टाइम जब हम सोते थे ना तो उल्टा होकर सोते थे, सीधी साइड तो सोया नहीं जाता, क्योंकि लाल कर देता था, बहुत ही मारता था, बहुत ही अच्छा था, पढ़ाता भी बहुत था। आज देखें उस्ताद साहब की बदौलत और उस्ताद साहब की अल्लाह ताला के करम और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से देखा मुकाम पे हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है, बहुत बहुत ज़्यादा करम है। तो इंशाल्लाह दिखाएगा आपको, पानी लग रहा है आगे, ये पानी का व्यू भी दिखाएंगे इंशाल्लाह फसलों को। कपास की फसल है, अब दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत डाले और अच्छी अच्छी फसलें हों, सबकी अच्छी अच्छी फसलें हों, चाहिए ताकि जो है जल्दी बैठ सके। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, आपसे अभी चाहेंगे इजाज़त बगैर तो ऐसे भी लोग बनते रहेंगे और आप लोग मुहब्बत वैसे सपोर्ट करेंगे।